उसका नतीजा देखने में मिला है अपने को, संख्या अपने बहुत कम रही है। अगर सेकेंड डोज लग जाता है तो किसी प्रकार का वेरियंट आता है तो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा सुरक्षा सभी लोगों को रहेगी। तो सभी नागरिकों को भी हम लोग कर रहे हैं, जो घरों में काम करने वाले हैं, बहुत सारे घरों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनका भी सेकंड डोज बचा हुआ है अभी। और ऐसे लोगों को घर में बुलाना कि जिनका सेकंड डोज नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं घर में जिनके दोनों डोज हो चुके हैं उनके लिए भी असुरक्षित है वो। इसलिए उनको भी मैं अनुरोध करूँगा कि वो लोग भी सेकेंड डोज अनिवार्यता अपने कर्मचारियों को लगाएँ जो घर में काम कर रहे हैं। आज शाम को हम लोग ने 5 बजे सिटी बस ऑफिस से बैठक बुलाई है, सभी नर्सिंग जो कॉलेजेस हैं उसके डायरेक्टर्स को बुलाया है उसमें, और उनसे हम लोगों को जो एडिशनल वैक्सीनेटर्स चाहिए, क्योंकि लगभग फिर से अब 450 करीब वैक्सीनेशन सेशन साइट्स बनेंगी हम लोगों के अलग अलग जगह पे डिमांड अनुसार। आज सभी को 5 बजे बुलाया है, उसमें सरकारी डिपार्टमेंट्स को भी बुलाया है, ताकि एक्साइज हो गया कि शराब की दुकानों पर चेक करना शुरू करें लोगों को, उनका स्टाफ भी रहे दोनों डोज वैक्सीनेटेड और चेक भी करें वो। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पूरी टीम लगेगी जो इंडस्ट्रीज़ में जाके चेक करेगी कि सभी के दोनों सर्टिफिकेट हैं कि नहीं है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी बुलाया है शाम को 5 बजे। तो पूरा तरह से सभी विभाग के अधिकारियों के साथ में हम लोग सेकेंड डोज वैक्सीनेशन में लग रहे हैं। हम लोग का टारगेट ये है कि इस महीने के अंत तक सेकेंड डोज वैक्सीनेशन हम लोग पूर्ण कर लें। लोग भी करेंगे, वहाँ भी जाके बैठ के ली जाएंगी, वहाँ भी पंचायत है, और अभी हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और BLO उसकी मीटिंग भी ले रहे हैं। वो लोग घर घर सर्वे करके आइडेंटिफाई करेंगे किनका सेकेंड डोज नहीं लगा है अभी, और घर घर से उनको हम लोग बुला के लेके आएंगे। मोबाइल वैंस भी चलेंगी, मोबाइल वैंस ऑफकोर्स ज़्यादातर शहर में चलेंगी ज़्यादा, पर ग्रामीण में भी चलाएंगे हम लोग, देंगे वहाँ पर जहाँ ऐसे लोग हैं, बहुत ही बुजुर्ग लोग हैं या कोई विकलांग हैं, उनको हम लोग घर में गाड़ी भेज के कराएंगे। तो पूरी योजना वो भी हम लोग की चलेगी। पहले चूँकि शहर में गैप ज़्यादा है, लगभग 6.5 लाख हमारा गैप शहर में है और 3-3.5 लाख हमारा गैप है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो पहले शहर से शुरू कर रहे हैं और फिर ग्रामीण में उसको लेके जाएंगे।